ये अहमद साहब लगे हैं जी, अपनी गिम्बल वगैरह सेट कर रहे हैं, ये गिम्बल पे काम करते हैं जी, सीनियर हो गए हैं, उस्ताद हो गए हमारे, अब क्या करें जनाब। ये जनाब देखें जी, ये गिम्बल सेट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सारे दोस्त बाप खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई रिजवान मीर, आज है जी बारात और हमने बारात लेके यहाँ से गांव में जाना है। मेरे साथ है जी अहमद भाई और शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अभी हमने बस काम शुरू करना है, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाँ जी अहमद साहब, चलें जी आज काम स्टार्ट करते हैं, आधा हो गया आधा रह गया। चलें जी शुरू करते हैं। ये है जी आज का बारात का स्टेज, माशाल्लाह खूबसूरत स्टेज लगा हुआ है आज का। अहमद साहब लगे हुए हैं अपने काम पे, शॉट वगैरह उठा रहे हैं। घर के बाहर से कुछ ऐसा सीन है जी, और कोई ख़ास सीनरी नहीं है क्योंकि आगे दरख्त बहुत ज़्यादा है, इनके घर के आगे बहुत ज़्यादा दरख्त है। और इस साइड पे बाज़ार है रेड़े का, लेकिन वो नज़र नहीं आता। नीचे ये कोई पकवाई का सिस्टम चल रहा है, और वो नीचे जिधर शीट लगी हुई है नज़र आ रही है, यहाँ पे आज मर्द हज़रात बैठेंगे। अब बारात निकलने का वक्त हो गया जी, बारात निकल आई है और हमने यहाँ से अब निकलना है दुल्हन के घर। ये बारात निकल रही है, ये आज की गाड़ी है जी जिस पे दूल्हा जाएगा। ये निकल आई है जी बारात, बड़ा मुश्किल रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं रास्ते में, बंदा नहीं गुजर सकता। ये हम रोड से नीचे आ गए हैं जी, उनके घर से मेन रोड पे पहुँच गए। अब यहाँ से गाड़ियों के तरतीब देंगे और फिर वहाँ से जो है ना वो निकलेंगे दुल्हन के घर के लिए। ये पहुँच गए जी दुल्हन के घर के पास, ये दुल्हन का घर है ऊपर, और ये बारात आ गई है। मैं पहले आ गया हूँ, ये गाड़ियों के ऊपर ड्रोन हमने चढ़ा दिया है, ये अब ड्रोन चल रहा है और वीडियो बन रही है। हम थोड़ा पहले आ गए हैं यहाँ पे, बारात निकल गई है जी, वापस रुखसती हो गई है। कोई ख़ास फंक्शन नहीं था यहाँ पे, बस थोड़ी देर दूल्हा बैठा है और यहाँ से रुखसती हो गई है। अब बारात जो है वो वापस जा रही है बाग की तरफ, और हम बारात का कर रहे हैं वेट। इस तरफ यहाँ से नज़ारा है जी बाग शहर का, ये नीचे बाग शहर नज़र आ रहा है। काफ़ी हाइट पे हैं हम, ये जगलड़ी पास हैं। ये गाड़ियाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं जी यहाँ पर। बारात पहुँच गई है जी दूल्हे के घर, और ये है दूल्हे का घर के पास जहाँ से हम सुबह निकले थे, और वो पीछे आ रही है अभी दूल्हे की गाड़ी। और यहाँ पे बस एंड होगा अब हमारा। बैठे हैं जी अभी घर में, बारात लेके आए हैं, थोड़ा दुल्हन की सेटिंग कर रहे हैं वो, और उसके बाद थोड़ा फंक्शन होगा बस, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे और वलीमा है कल। अभी बस थोड़ा सा काम रह गया हमारा तकरीबन आधे घंटे का, इसके बाद हमारी होगी छुट्टी। और टाइम हो गया जी रात के 8:30। हाँ जी अहमद साहब, आराम कर रहे हैं, शदीद सर्दी है जी, और अभी फंक्शन का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि कब शुरू होती है। आज है जी वलीमे का दिन, और हम पहुंच गए इनके घर। अभी सेटअप चल रहा है और मेहमान वगैरह कोई नहीं आए, रात को कोई इतना ख़ास फंक्शन नहीं हुआ, बस हम भी निकल गए, थोड़ा लेट भी हो गए और निकल भी गए। और अभी हम पहुंच गए वापस इनके घर, आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। ये आज की स्टेज लगी है जी वलीमे की, माशाल्लाह खूबसूरत स्टेज है, और वही इंट्रेंस है जो पहले थी, पहले दिन थी मेहंदी के दिन थी। तीन दिन हमने यहाँ पे गुजारे जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मेरा दूसरा फंक्शन है यहाँ पे, और लोग बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह जी खूबसूरत सेटअप लगा हुआ है आज। और आज जी वलीमा आखिरी दिन हमारा इस घर में, और अभी हम पहुँचे यहाँ पर, टाइम हो गया जी तकरीबन 11:30 हो गई तकरीबन, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
तो अपने कैमरे शैमरे करते हैं जी रेडी। अहमद साहब ये बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अहमद साहब अपनी गिम्बल रेडी कर रहे हैं, आजकल ये गिम्बल पे काम कर रहे हैं, बड़े हो गए, सीनियर हो गए। ये अहमद साहब लगे हैं जी अपनी गिम्बल वगैरह सेट कर रहे हैं, ये गिम्बल पे काम करते हैं जी, सीनियर हो गए हैं, उस्ताद हो गए हमारे, अब क्या करें जनाब। ये जनाब देखें जी, ये गिम्बल सेट हो रही है, ये बैलेंस कर रहे हैं। पहले इसको बैलेंस करना पड़ता है, उसके बाद फिर इस पर सिस्टम होता है। एक बार बैलेंस हो जाए उसके बाद फिर ये अपना काम जारी रखती है। अब बैलेंस हो गई है जी, बैलेंस कर लिए जी। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये इसका कैमरा बैलेंस हो गया। अब ये ऑन करेंगे तो कैमरा जो है वो स्टेबल हो जाएगा इसका। स्टेबल करो जी इसको, ऑन है गिम्बल। ये अभी गिम्बल ऑन हो गई है जी, आवाज़ आई है, और ये कैमरा इसने स्टेबल कर लिया। अब इसको कैमरे को ज़रा घुमाओ जी, जॉयस्टिक से ऊपर नीचे, इधर घुमाओ मेरी तरफ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ। ये देखें जी, ये इसका फ़ायदा है। और इसमें जो है ना स्टेबलेशन होती है, स्टेबल रहती है वीडियो, इसमें शेक नहीं होती। गाड़ी पे बनाएं, चलते हुए बनाएं। अब उस तरफ घुमाओ, ये बेसिकली होती है स्टेबिलिटी के लिए, कि वीडियो स्टेबल रहे और इसमें अच्छे शॉट आ जाते हैं। ये हाँ जी साहब, क्या पोजीशन है? फंक्शन स्टार्ट हो गया है जी, बस थोड़ी देर के बाद शूट के लिए निकलेंगे। शूट हमने करना जी आउटडोर, और ये तो फिर पता नहीं फिर होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। फिलहाल जो है अभी बैठे हुए हैं, दुल्हन गई है पार्लर, दूल्हे का कोई अता पता नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है, जो होगा वो आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। भाई क्या कह रहे हैं अभी? फोटो शूट हमारा हो गया जी, थोड़ा बहुत फंक्शन भी हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा फंक्शन रहता है, बैठे हुए हैं अभी, थोड़ा रेस्ट करते हैं। आधा काम तकरीबन हमारा हो गया और आधा रह गया, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। हाँ जी सुनाओ। बस थक गए थोड़े, थकावट तो 2 मिनट काम करो इसके जो है ना वो कमर में दर्द शुरू हो जाता है।